बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ अब्दुल मनान और आप देख रहे हैं अवान ब्रदर्स। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पहले ही लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। तो आज भी एक करना है, रिस्टोरेशन करनी है जी। ये जिसमें दाने रखते हैं, इसे कई लोग बड़ोला कहते हैं, कहीं गलोटा कहते हैं। तो इसको आज इसकी रिस्टोरेशन करनी है। तो दाने हमने कल बाहर निकाले थे, धूप वगैरह उनको लगवा दी थी। तो आज पापा ने बोला है भाई इनको कलर कर दो, तो इसलिए इनकी आज करनी है रिस्टोरेशन। तो अभी मैं जा रहा हूँ, पापा ने कलर लेके उधर शॉप पे रख दिया है, तो मैं कलर लेना है उधर से और फिर आके इनको करना है। ठीक है, तो कल लेके आते हैं और फिर आपको आगे अपडेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पेंट में ले आया हूँ। ये कलर तो अभी मुझे नहीं पता कौन सा, क्योंकि पापा ने पहले दुकान पे ले कर रख दिया था। तो सबसे पहले आप ऐसे करते हैं कि ये नज़र ही नहीं आ रही, धूप इतनी तेज़ है। ये देखें, इनको इधर कमरे में रख लेते हैं, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। कमरे में रख के इधर पेंट करेंगे। तो काम करते हैं शुरू। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपका फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा है। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना आपने। ये देखा है, फिर अजान दे रहा है। पिछली वीडियो में बताया था जैसे ही हवेली में आके वीडियो बनाओ ना, तो ये शुरू हो जाता है। एक को तो मैं ले आया हूँ कमरे में, एक अभी उधर ही पड़ा रहे। पहले इसको करते हैं कलर और फिर उसको करेंगे, फिर इसको बाहर रख देंगे ना धूप पे, सूख जाएगा और फिर उसे अंदर ले आएंगे। ठीक है, सब कुछ मैं ले आया हूँ। ये है पेंट, ये आती है इधर रखी हुई है, ये है पेट्रोल, ये जिसमें पेंट तैयार करना है बाल्टी है, और ये है जी बड़े सबसे मेन काम इसका है। तो ये पिछला पेंट किया था, इसको साफ तो किया था, ये थोड़ा हवा भी है, अड़ा है। अगर आपने पिछली रिस्टोरेशन नहीं देखी एयर कूलर वाली, तो जाके वो रिस्टोरेशन देखें, इसको पता चल गया है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये अब पूरा जब तक वीडियो बनती रहेगी ये शोर करता रहेगा जी। ठीक है, तो अब हम काम शुरू करने लगे हैं, पेंट तैयार करते हैं और फिर आपसे मिल। तो पिछली बार हमने जब पेंट किया था ना घर में, तो रिस्टोरेशन वो आपने अभी तक नहीं देखी, तो आप देखें अच्छी रिस्टोरेशन की है वो हमने। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें और उसको लाइक भी करें और उसमें कमेंट भी करें और बताएं कि कैसी लगी आपको रिस्टोरेशन। वो हमने जब की थी तो हमने गंद बहुत ज़्यादा बना दिया था, तो अब कोशिश करेंगे गंद इतना ना बने और काम भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो पेंट अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। तो उन्होंने बोला था भाई इतना गाढ़ा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो, तो जब आपका बुरिश अगर सही चल रहा है तो फिर इसका मतलब आपका पेंट सही तैयार है। तो मेरे हिसाब से तो पेंट तैयार हो गया, शुरू करते हैं पेंट। ठीक है, एक बार कर लिया है कलर। तो अभी जा रहा हूँ, छोटी बहन को स्कूल से लाना है, तो उसका टाइम हो गया, फिर आके वापस जो रह गया वो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, छोटी बहन को मैं ले आया हूँ, और एक कोट इसको किया था और ये सूख चुका है। अब इसको दोबारा अंदर रखते हैं और दूसरा कोट इसको करते हैं। ठीक है, ताकि इसकी क्लियरेंस हो जाए सारी और अच्छे तरीके से हो जाए ये कलर इसका। Thank you.
कोट इसको भी कर दिया है ठीक है, लेकिन अभी तक ये सूखा नहीं है सही। अगर अभी इस पे पेंट किया तो अड़ेगा पेंट सही, बुरिश चलेगा नहीं, फिर वो अच्छा नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं और इसको भी अभी धूप में रख देते हैं ठीक है। पिछली रिस्टोरेशन जो की थी उसमें से जो रेड कलर बचा था ना वो मैंने बनाया है, तो ऐसे करेंगे जो इसके रिंग वगैरह हैं वो उन पे ब्लैक कलर करेंगे और रेड कलर करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी करके, आप चेक करें। ये जी थोड़ा सा किया है रेड कलर, देखें आप, एक जिस पे रेड कलर नहीं हुआ है उसको देखें और जिस पे है उसको देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये दूसरे रेड कलर जिस पे किया है, तो अभी दो रिंग इसके किए हैं, दो रहते हैं, एक नीचे सिरे वाला और एक ऊपर वाला, तो ये भी करते हैं और उसको भी, तो एक कोट भी रहता है इसके। जी चारों रिंग मैंने कर दिए हैं कलर, आप चेक करें ठीक हो गया, और दूसरे का भी एक भी नहीं किया, दोनों में देखें कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन सा सही लग रहा है। और अब ऐसे करते हैं कि दूसरे वाले को दूसरा कोट शुरू करते हैं क्योंकि वो भी सूख चुका है अब, तो उसके बाद फिर इसके भी रिंग रेड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी फुल रिस्टोरेशन हो चुकी है, ये दोनों ड्रम भी कह सकते हैं आप इंग्लिश में, और वैसे बड़ौला और गलोटा कहते हैं हमारे इलाके में, आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कि इसके स्टैंड है, स्टैंड पर रेड कलर किया है ताकि अच्छा लुक आए ठीक है, पहले इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था, देखें रेड कलर किया है तो लुक पूरा लुक चेंज हो गया इसका। और अब आपको एक बार इसका व्यू फुल दिखाते हैं और देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जी कलर हो गया फिनिश बिल्कुल, मैंने हर चीज़ संभाल भी दी है, जो बच्चा था थोड़ा सा बच्चा था ये मैंने आधे दरवाजे पर इधर कर दिया है ठीक है, अब बिल्कुल काम यस हो गया सारा, आपने चेक कर लिया, रिस्टोरेशन बहुत अच्छी हुई है। तो आपसे मिलते हैं, मैं पहले नहा लूँ फिर मिलते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह जी नहा लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिस्टोरेशन पसंद आई होगी, अगर आपको ये रिस्टोरेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की और भी वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।